ये देखिए सिमरिया घाट एक माह के लिए पूरा धार्मिक स्थल बन जाता है। गांव देहात से आने वाली बूढ़ी माताएं खासकर इस कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है वो हम प्रकट करेंगे। हमारे साथ यहां के जो पंडित जी हैं महंत हैं वो बउआ लाल जी। बउआ हनुमान दास, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम है बउआ हनुमान दास। अच्छा, मैं यहां पर 44 वर्ष से खलसा लगाता हूं। जब इस खलसा लगाने के लिए आया था उस समय में एक डिबिया था हमारे साथ, यहाँ झोपड़ी घास फूस का झोपड़ी लगा करके, और वहाँ से मैंने अपने जीवन को स्टार्ट किया। और इतना स्टार्ट नहीं किया, यहाँ तपस्या होता था हमारा, यहाँ लाश जलते थे, यहाँ भोजन करते थे, यहाँ पे खाना होता था, यहाँ ये होता था, बस एक ही जगह, बस बगल अगल में रहते थे हम लोग। किसी तरह से इसको हम बचा करके, हमको सनातन धर्म को बचा करके यहाँ तक पहुँचाए हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, कार्तिक पूर्णिमा में एक माह का क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा में जो लोग आते हैं, एक माह यहाँ रहते हैं, इसका क्या महत्व है? दो तरह का इसका महत्व है। सनातन का महत्व है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पर सात्विक भोजन करते हैं लोग, सात्विक विचारधारा पर लोग चलते हैं, और दूसरे का शिकायत नहीं, भगवान के भजन में 24 घंटा लगाए रखते हैं। हम यहाँ के टीचर हैं, इन लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, जितनी भी बूढ़ी आती हैं यहाँ पर, और यहाँ के मोक्ष का कारण बनते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या क्या आप लोग आप करते हैं, सुविधा क्या क्या आप लोग देते हैं? हम लोग ये सुविधा देते हैं कि यहाँ पर जो है ये खलसा जो है, ये मेरा अपना खलसा है, इसमें राउटी है, राउटी में रहने का जगह देते हैं, यहाँ पर सोने की व्यवस्था होती है, गैस का प्रबंध करते हैं, या किसी तरह का बीमार पड़ा तो उसको उठा करके ले जाने का मेरा काम होता है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी हमारा जनता जाए सो वहाँ जा करके घर पर यह कहे कि वहाँ जाने के बाद मैं स्वर्ग का आनंद वहाँ लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लोग आना शुरू कर दे और अध्यात्म का जो है पताका गांव से लेकर के यहाँ तक होता रहे, यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। मिनिमम कितना यहाँ पर चार्ज देना पड़ता होगा जो आती है श्रद्धालु रहने के लिए? क्या हमारे खलसा का ये नियम है कि जो गरीब से गरीब आदमी आवे उसको हम यहाँ पर रखते हैं। चलने वक्त में कह देता है कि आज मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है, मैं नहीं लेता हूँ। और यहाँ पर कम से कम 1800-1900 आदमी का, सुबह में 9 बजे आप आए तो देखिएगा, यहाँ पर 1800-1900 आदमी को भोजन देते हैं और 10 रुपया करके दक्षिणा देते हैं। ये प्रतिदिन का काम है, एक महीना, इसमें कोई कोताही नहीं है। पहले यहाँ पर लोग डरते थे आने से, पूरा जगह था, एरिया अपराधी के बनता था, अब क्या स्थिति है और सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? अरे रे रे रे। पहले तो ऐसा ही था कि हम लोगों के जितने भी शिष्या सब थी वो यहाँ पर बहुत जंगल रहा करता था, और हमने ये देखा है कि वो जो उधर लैट्रिन का कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ पर, और जब वहाँ जाती थी तो उसके साथ छेड़खानी होता था, रिवॉल्वर सटा दिया जाता था, चाकू दिखाया जाता था। आज यह हो गया है कि यहाँ आने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि वही सिमरिया है कि सिमरिया फिर बदल गया। हमने संजय झा जी को धन्यवाद दिया है, और मैंने कहा कि कैसा ठेकेदार तुमने लाए जो 41 दिन में इसका परिवर्तन कर दिया। तुम कम से कम उस ठेकेदार को तो हमको दिखलाओ कि कौन सा ऐसा ठेकेदार है 44 दिन में सारा व्यवस्था करके टंच कर दिया। यहाँ पर क्या क्या योजना है, अब कल्पवास के लिए क्या बनने जा रही है, क्या हो गया यहाँ का कल्पवास में? जैसे सुनने में आया मंत्री जी कहीं कि आपको 100x100 का एक एक अपार्टमेंट बना देंगे उसका, और रोड बना देंगे, रोड बनाने के बाद सारा व्यवस्था हम रखेंगे, आप लोग आएंगे यहाँ लगाइएगा और आनंद की अनुभूति लीजिएगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहूँगा कि भारत में सिमरिया में जो कल्पवास है, यह कल्पवास कार्तिक में कहीं भी नहीं हो रहा है, और यहाँ का जो व्यवस्था होने जा रहा है उसके लिए मैं आह्वान करूँगा। सबसे पहले तो हम मिथिला के लोग के आह्वान करबें कि यहाँ जहाँ छी, अगर हमारा आवाज सुनी छी, आओ, हम अहाँ के सहायक, अहाँ के बेटा अहिठाम तैयार छी, अहाँ के सेवक तैयार छी, अहाँ हमर मालिक छी, अहाँ आबि कऽ अहिठाम देखियौ, अहिठाम के जे व्यवस्था देखियौ, अहिठाम के वातावरण देखू और आनंद के अनुभूति लिअ। धन्यवाद। महंत जी हैं हमारे साथ।